नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नाम तो सुना ही होगा। कुछ 5 महीना हो गया है, Feb 23 को मैंने लास्ट पोस्ट किया था, उसके बाद 5 महीने का गैप मुझे लेना पड़ा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं वापस आ रहा हूं। मेरा कुछ काम थे और प्रेशर था, स्ट्रेस था, बहुत कुछ चीज़ें चल रहा था पैंडमिक के बाद, और हमारा स्टूडियो वापस रिलोकेशन होने का, बहुत कुछ चीज़ें। तो उसके कारण मैं इस पर्टिकुलर चैनल में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ कंटेंट दे नहीं पाया। लेकिन अब से मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब से हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए नया नया ट्यूटोरियल्स रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस। मेरा लास्ट वीडियो था February 24, 2021, जो इस साल का मैंने जो गैप दिया था उससे पहले जो था February 24, 2021, उसमें मैंने मैकी एलिमेंट्स कार्बन कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में बात किया था। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं आया ऑनलाइन। मैं कोशिश किया था एक दो बार आने का, लेकिन हो नहीं पाया। फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, और ये फिर मैंने एक व्लॉग चैनल शुरू कर दिया अपना, व्लॉग्स बाय नियो चैनल है। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक जो है मैं नीचे डाल दूँगा, तो आप मुझे उधर भी सपोर्ट कर सकते हो। उसमें मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में और कुछ नहीं है, मेरा फैमिली उनके ऊपर है, और स्टूडियो के ऊपर भी कभी कभी होता है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर मैं बनाता हूँ वो व्लॉग चैनल। तो वो चैनल थोड़ा ग्रो करने का भी कोशिश कर रहा था मैं, और साथ में मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस और अभी का जो वीडियो है उसमें मेरा पूरा सेटअप ही अलग है, मेरा घर अलग है। अभी स्ट्रेस भी चल रहा था बीच में, बिजनेस पैंडमिक के बाद ज़्यादा नहीं था। जब हमने शुरू किया था तो बिज़नेस थोड़ा ऊपर हो गया था, बूम हो गया था जान से लेके जून जुलाई तक। उसके बाद इसलिए मैं फेब के बाद मैं आ नहीं पाया इस चैनल में, क्योंकि काम ज़्यादा था और मैं ज़्यादातर अकेला ही था, तो इसके कारण मुझे संभालना पड़ा स्टूडियो का काम सब कुछ। लेकिन अभी वापस जो है इंडियन सेक्टर, साउथ एशियन सेक्टर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब सेक्टर जब बंद हो गया है, वापस अभी हमारा जो है धंधा कम हो चुका है। सिर्फ साउथ एशियन सेक्टर्स नहीं है, बहुत सारे जो है फ्लाइट के सेक्टर्स हैं जो यूरोप कंट्रीज के भी हैं, तो उसके कारण हमारा जो है बिजनेस थोड़ा डाउन है पिछले 2-3 महीने से। हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार या 3 बार आपका जो क्वेश्चंस है, मैं कमेंट्स में गया था, बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे भाइयों के, और उन सबका जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। तो अब से मैं आऊँगा और आप लोग सबका कमेंट के ऊपर जो है उसके ऊपर जवाब भी दूंगा, और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं और आप लोग को जो है मैं हेल्प भी करूं। होपफुली हमारा जो ये पैंडमिक का सिचुएशन जो है सब ठीक हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो UAE से, दुबई से इंडिया गए हुए, पाकिस्तान गए हुए, नेपाल गए हुए, श्रीलंका, और वो लोग आना चाहते लेकिन इधर अभी UAE ने ब्लॉक किया हुआ सब कुछ, कोई फ्लाइट्स अलाउ ही नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में सब बहुत सारे जो है अभी केसेस बढ़ने लग गया है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो अपना नौकरी भी गवा चुके हैं। हम भी फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, हम सब फेस कर रहे प्रॉब्लम्स, हर जगह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फेस कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें सरकार या कोई लोग दिखाएंगे नहीं। एक आम आदमी ही जानता है कि प्रॉब्लम्स क्या वो लोग फेस कर रहे हैं और कैसे वो लोग उसके ऊपर हर दिन जो उनके ऊपर बीत रहा है, वो एक आम आदमी ही समझ सकता है। तो मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये जो बीमारी है जल्दी ख़त्म हो जाए और सब ठीक हो जाए और काम धंधा सब वापस शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आज तो मेरा इंट्रो के लिए मैं आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए कि मैं वापस आ रहा हूँ और वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग का जो प्रश्न है, क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस और ट्यूटोरियल्स बनाते रहूँ। तो आज के लिए मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। आज मैं आप लोग को इतना दिखा सकता हूँ मेरा जो सेटअप है, अभी मैंने नया सेटअप किया हुआ है, सब कुछ पुराना चीज़ें ही है मेरे पास जो भी है, लेकिन टेबल मैंने लिया था और उसको सेटअप किया हुआ है। तो मैं आप लोग को जो है मेरा जो सेटअप है इधर वो ज़रा दिखा देता हूँ आप लोग को। तो आप देख सकते हो ये है मेरा नया सेटअप, यह है मेरा नया टेबल, और बाकी सब चीज़ें सेम है। ओनली डिफरेंस मेरे पास जो प्रिसोनस का एरिस का जो है 3.5 इंच के
मॉनिटर्स है, सैमसंग का मॉनिटर है मेरे पास, ये रहा प्रिसोनस का, और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैक बुक, क्योंकि मेरा जो पीसी है बेसिकली वो ऑफिस में हमारा जो मैक है ऑफिस का स्टूडियो का जो है वो ख़राब हो गया, तो उसके कारण अभी मैं फ़िलहाल ये मैक को मैंने इसमें कनेक्ट करके मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी सब हमारा वही है सेम। ये देखिए, तो ये है मेरा अभी का जो है सेटअप। नहीं तो मेरे पास एक पीसी था जो आपको मैंने बताया था, मेरा चैनल में ही है, जिसमें मैंने खुद बनाया था वो पीसी और आप लोग को दिखाया था, वो पीसी अभी मेरा स्टूडियो में है। तो एक और बार दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा, सॉरी फॉर बीइंग अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब से यही कोशिश रहेगा कि मैं आप लोग के लिए जितना भी हो वीडियोज़ बनाते रहूँ और आप लोग का हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई ऑनेस्ट सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर बीइंग देयर एंड ट्रस्टिंग मी। अगर आप लोग नए हो इधर, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, धन्यवाद।